पुराण की कथा कहती है सबको पुकारने का समय है पर शंकर को पुकारने का समय नहीं होता, क्योंकि दुख मौत कब आती है किसी को नहीं मालूम। इसलिए उसको जब चाहो जब पुकारते रहो, हर श्वास में उसका भजन करते रहो, भजो उसको, स्मरण करो उसका, नाम कीर्तन करो उसका, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपते रहो ओम नमः शिवाय, जपते रहो नमः शिवाय, जपते रहो भगवान का नाम, जपते रहो उमा महेश का नाम, जपते रहो मेरे गौरी शंकर का नाम। और रिश्ता तेरा मेरा सबसे रिश्ता तेरा मेरा सबसे तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा मैं हूँ तेरा तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा दादा मैं हूँ तेरा। हम उसको संबंध बनाए, भगवान भगवान को ढूंढने नहीं जाना, कहीं मत जाओ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलो ईमानदारी से बोलो सब, भगवान को कहां रहना पसंद है? जल्दी बोलो रे। मेरी मां गंगई के रहने वाले हो, गंगई के इस पवित्र भूमि गंडई के रहने वाले, छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर रहने वाले, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, सब बोलो प्रेम से, भगवान कहां रहना पसंद करते हैं? मंदिर में, अपने भक्त के दिल में। धन्यवाद जी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान मंदिर में रहना पसंद नहीं करते, भगवान घर में रहना पसंद नहीं करते। भगवान कहते हैं तू अपने हृदय को, अपने दिल को, अपने चित्त को, अपने मन को मंदिर बना। अपने दिल को मंदिर बना, अपने मन को मंदिर बना, अपने हृदय को मंदिर बना। और याद रखना, इस मंदिर में क्या होता है, इस मंदिर में होता क्या है? जैसे मंदिर को साफ रखा जाता है, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा साफ रखिए। मंदिर में कचरा नहीं होने देना है तो मन में भी कचरा मत होने दो। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, निंदा, ईर्ष्या, ये सब दूर कर लो। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, सब दूर कर लो। और कोई चुगली करने वाला, कोई निंदा करने वाला, कोई ईर्ष्या करने वाला आपके पास में आकर आपको ढेर सारा प्रवचन भी दे ना, सत्संग भी दे, तो वहां मत बैठना, कहीं उसका गुण हमारे पास ना आ जाए। ईर्ष्या, निंदा, चुगली, अहंकार, लोभ, तृष्णा, वासना, आसक्ति, इनसे दूर हो जाए। मंदिर को साफ रखो, उसी तरह अपने दिल को जम के बोलो जरा साफ। मंदिर में रोज जाते हो, प्रणाम करते हो, उसी तरह थोड़ी देर अपने हृदय में भी प्रवेश करो। क्या मैंने अच्छा सत्य में अपने हृदय में प्रवेश करना, क्या मैंने दुनिया का बुरा तो नहीं कर दिया? मैंने किसी को गाली तो नहीं दे दी? मैंने किसी को अपशब्द तो नहीं कर दिया? मेरे भीतर कहीं ईर्ष्या बहुत सारी प्रकट हो रही है और उसमें मैं अपशब्द कहे जा रहा हूं, वो श्रेष्ठ तो नहीं है? अपने भीतर मंदिर में प्रवेश करो। अपने मंदिर में जाइए, अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपनी वृत्ति में प्रवेश करिए। और अपने भीतर जब हम प्रवेश करेंगे,
तब हमें उस परमात्मा का साक्षीकरण जरूर होगा। मंदिर साफ रखिए तो दिल को भी साफ रखिए। बहुत याद रखना, एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, तुम्हारा बड़ा घर देखकर तुम्हारे घर में मेहमान ज्यादा आएंगे, तुम्हारी दौलत देखकर तुम्हारे रिश्तेदार ज्यादा आएंगे, तुम्हारी गाड़ी देखकर तुम्हारे दोस्त ज्यादा आएंगे, तुम्हारी दुकान देखकर तुम्हारे ग्राहक ज्यादा आएंगे, और तुम्हारा दिल देखकर मेरा महादेव ज्यादा आएगा, मेरा महादेव ज्यादा। दौड़कर तुम्हारे करीब में दौड़ता दौड़ता कुछ मत करो, इस दिल को साफ करने का प्रयास करो, कुछ मत करो, अपने मन को क्लीन करने का प्रयास करो। मन की पूजन क्या है? मन में भगवान बैठा है, मंदिर में भगवान बैठा है, दिल में भगवान बैठा है, उसकी पूजन कैसे करोगे? मंदिर में भगवान बैठा है तो उसकी पूजन के लिए लड्डू पेड़ा वस्त्र आभूषण धन दौलत सब चाहिए, पर मन में भगवान बैठा है उसकी पूजन कैसे करोगे? तो शिव महापुराण कहती है कि मन में दिल में अगर परमात्मा बैठा है, मेरा शंकर बैठा है, तो उसकी पूजन करने का केवल एक तरीका है, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी बच्चे को एजुकेशन की जरूरत है वो पढ़ना चाहता है उसको अच्छा पढ़ाओ, किसी बीमार को दवाई की जरूरत है और तुम्हारे पास में भगवान ने अगर धन दिया है तो किसी के रोग मुक्ति के लिए, किसी औषधि के लिए कार्य करते रहो, करो। हम धन्यवाद देंगे, कई कई जगह पर महाराष्ट्र के, चाहे बलगांव में जोशी परिवार हो, चाहे पुणे का परिवार हो, चाहे औरंगाबाद का नारखेड़े परिवार हो, आधिकारिक जितने भी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में कई कई गांव कई परिवार ऐसे थे जिन्होंने, 16 तारीख को हमारा जन्मदिन था तो जन्मदिन के अवसर पर कई जगह पर उन्होंने कहीं नेत्र शिविर, कहीं कोई शिविर, कहीं कोई शिविर, लोगों को स्वस्थ रहने के लिए, निरोग रहने के लिए, उनके बीमारी को दूर करने के लिए कई जगह पर लोगों ने शिविर लगाए, उन सबको हमारा धन्यवाद है, साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।